हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये रिलेटेड है टीजीटी पीजीटी में, जो मैनेजमेंट का क्या रोल होता है और क्या प्रबंध तंत्र जो जॉइनिंग को मना कर देते हैं, तो उस समय की क्या प्रोसेस आपको करनी चाहिए और क्या वास्तव में डिमांड होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, चूँकि मैं पहले ही सिलेक्टेड हूँ। पहले मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, एज ए प्राइमरी टीचर मैं काम करता था। फिर उसके बाद मेरा पीजीटी और टीजीटी में 3 बार सिलेक्शन हुआ, तो इस अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप सबको मैं अपने जो एक्सपीरियंस हैं वे सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन, आल्सो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है वो मैं शेयर करता हूँ, फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, बट आई माई ट्राई माई बेस्ट। तो आज का जो टॉपिक है, हालांकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि कह सकते हैं कि पैसे वाली चीज़ें ऐसी ऑफिशियल हमें ये सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ें हैं मैं आप सबको, ताकि ज्वाइनिंग से पहले आपको प्रॉब्लम ना हो, वे सब चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, टीजीटी और पीजीटी में प्रबंध तंत्र की क्या भूमिका होती है, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिएगा। टीजीटी और पीजीटी ये भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में, जो इंटर कॉलेज होते हैं, एडिड विद्यालय होते हैं, सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं उनमें इसकी भर्ती होती है। देखिए, अब से लगभग अगर हम बात करें 90s की, 80s की, 70s की, तो उस समय मैनेजमेंट को इतनी पावर थी कि वो साक्षात, जैसे 4 का साक्षात्कार लिया तो अपने बेस पर वो स्कूलों में टीचर रख लिया करते थे। जैसे कि हाल ही में पीजीटी में भी, और सॉरी इंटर कॉलेज में हाल ही में, पहले आप देखते होंगे जो चपरासी हैं और जो क्लर्क हैं वो भी मैनेजमेंट अपने आप स्कूलों में अपनी मर्जी से जो भी उनका पसंदीदा होता था, आप समझ सकते हो कि कौन पसंदीदा होता है, तो उन्हें वे रख लिया करते थे। तो इस तरह पहले टीचर्स की भी थी, यही टीचर्स की कंडीशन थी। इन सब चीज़ों को जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो फिर माध्यमिक चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करता है, तो उसी के द्वारा फिर भर्ती किए जाने लगी। फिर बोर्ड ने जो मैनेजमेंट है उसके हाथ से बिल्कुल अधिकार जो है वो हटा लिया, सरकार ने उसके हाथ से बिल्कुल हाथ एक तरीके से खाली कर दिए। फिर टीचर्स उसके द्वारा नहीं रखे गए, फिर एक परीक्षा होती है टीजीटी पीजीटी के नाम से, वो हम देते हैं। पहले इसमें साक्षात्कार भी होता था टीजीटी में, वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें करप्शन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने की। अब से पहले, अब हम क्लर्क की बात करें या पियोन की बात करें, तो ये भी इंटर कॉलेज में मैनेजमेंट ही रखता था, लेकिन अब UP SSSC, अब गवर्नमेंट ने इसे भी अपने हाथ में ले लिया और क्लर्क और जो चपरासी की जो वैकेंसी होती हैं वे भी सब अब UP SSSC से आएंगी। जो चपरासी की जो नौकरी है इंटर कॉलेज में, अब वो संविदा पर रखे जाने की भी बात की जा रही है, तो हो सकता है कि अब जो वो है 10,000 से 15,000 की नौकरी वो रह जाए। हालांकि हम जिस भी कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो मालिक है, उस बिल्डिंग का मालिक जो होता है वो प्रबंध तंत्र होता है। तो हम कर्मचारी तो सरकार के होते हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग में हम काम करते हैं वो एक तरीके से वो सरकार किराए पर ले रखती है प्रबंध तंत्र की, और उसे ही पावर दे रखती है। उसका सारा मैनेजमेंट विद्यालय का सब कुछ प्रबंध तंत्र के हाथ में होता है। इसी के कारण जो हमारा नियुक्ति अधिकारी भी होता है वो प्रबंध तंत्र ही बनाया जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं टीजीटी और पीजीटी में। अब जो हमारा नियुक्ति अधिकारी होता है, वैसे तो बेसिकली हमारा नियुक्ति अधिकारी डीआईएस होना चाहिए, लेकिन हमारा जो नियुक्ति अधिकारी होता है वो होता है मैनेजर। डीआईएस जब बोर्ड पैनल भेज देता है, तो DIS के पास पैनल भेजता है, DIS लेटर भेजता है एक बच्चे के पास, एक स्टूडेंट के पास, और एक भेजता है मैनेजमेंट के पास। फिर मैनेजमेंट आपके पास लेटर इशू करता है
फिर उसके बाद जब मैनेजमेंट लेटर इशू कर देता है, फिर आप ज्वाइनिंग के लिए विद्यालय में संपर्क करते हैं। क्योंकि हमारा नियुक्ति अधिकारी जो होता है वो मैनेजर होता है। ये नौकरी पूर्णतः परमानेंट है, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये कोई एक दो कमेंट आया था कि सर ये परमानेंट नहीं है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि प्रबंध तंत्र की, चूँकि बिल्डिंग गवर्नमेंट ने अफोर्ड की हुई है, इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट ने एक नया नियम लाया है, जो भी विद्यालय में 15 साल से प्रबंध तंत्र निष्क्रिय हैं वे गवर्नमेंट टोटली अंडरटेक कर लेगी, मतलब वहाँ की बिल्डिंग जो है वो भी गवर्नमेंट के अधीन चली जाएगी। तो कर्मचारी तो सरकार के हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो जो बिल्डिंग है वो प्राइवेट है। तो इस तरीके की इसकी रूपरेखा है, उसी के वजह से जो प्रबंध तंत्र है उसे थोड़ी सी पावर गवर्नमेंट ने दी हुई है। लेकिन हाल ही के समय में गवर्नमेंट ने प्रबंध तंत्र की बहुत सारी ताकतें छीन ली हैं, जैसे कि पहले टीचर्स को अपने अधीन लिया, फिर अब क्लर्क और जो पियोन हैं, जो चपरासी हैं, उन्हें भी अपने अधीन गवर्नमेंट ने कर लिया। तो अब चूँकि अब हम पूर्णतया गवर्नमेंट के अंडर टेक कंट्रोल में हैं। अब अगर पैनल जारी करता है और आप ज्वाइनिंग के समय पर आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो, तो प्रबंध तंत्र उस समय क्या करेगा? आप देखिए, सभी जगह की आपकी किस्मत, या ये कह सकते हैं सभी प्रबंध तंत्र, मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी, एक रुपया भी, मतलब एक तरीके से डोनेशन के रूप में भी नहीं लगा था। ऐसा कह सकते हो कि मैं लक्की था। अब अगर देखा जाए तो लगभग 90% विद्यालय ऐसा होता है जो ज्वाइनिंग आपकी करा दे, और PGT का कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करके विद्यालय में भेज देगा, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन पे चला गया है वो PGT में, वहाँ पे विद्यालय में, तो जो प्रबंध तंत्र है वो आपको ज्वाइनिंग के लिए मना कर देगा। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप प्रबंध तंत्र से रिपोर्टिंग करवा लेंगे, लिखित में ले लेंगे कि किस कारण से आपको वो मना कर रहा है। फिर वो जो मना करने का कारण है वो रिटर्न में आप चयन बोर्ड में दाखिल कर सकते हैं। चयन बोर्ड की एक धारा है, एक रूल है 13(5) का। 13(5) का रूल में समायोजन का अधिकार होता है। अगर कोई प्रबंध तंत्र आपको ज्वाइनिंग के लिए किसी विशेष कारण से मना कर देता है, तो आप 13(5) के रूल के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय में जो DIS है, जो चयन बोर्ड है, आपको दोबारा से विद्यालय अलॉट कर देगा, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात आती है कि क्या वास्तव में जो प्रबंध तंत्र होता है वो पैसा मांगता है या पैसे की डिमांड करता है। मैं बता रहा हूँ कि 90% मैंने बताया कि विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया विद्यालय जो है उसकी जो देख रेख का जिम्मा होता है वो देख रेख का जिम्मा होता है मैनेजमेंट का, और उस बिल्डिंग का भी जो देख रेख का जिम्मा होता है वो मैनेजमेंट का होता है। क्योंकि सरकार की ने छोड़ा हुआ है कि विद्यालय में एक बिल्डिंग फंड के नाम से भी एक मद होती है, तो सरकार ने छोड़ा हुआ है कि प्रबंध तंत्री विद्यालय का जो रखरखाव है वो सब करेगा प्रबंध तंत्र ही। तो जब प्रबंध तंत्र उसका रखरखाव करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा कोई कोई मैनेजर जो होता है, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, कोई कोई जो मैनेजर होता है वो आपसे कह देता है कि ये कमरा बनवा दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा विद्यालय में, विद्यालय की जो एक तरीके से उन्नति है या उसका, उसके लिए आप कुछ दे दीजिए। ऐसी चीज़ें कहीं कहीं हो जाती हैं, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अब गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी अब निकाल दी है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, अगर किसी मैनेजर ने या प्रबंध तंत्र ने ज्वाइनिंग के लिए मना किया और एक तरीके करप्शन के रूप में मना किया प्रबंध तंत्र ने, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने वो मैनेजमेंट जो थी, जो प्रबंध समिति थी वहाँ की, वो भंग कर दी। प्रबंध समिति भंग करने के बाद जो वहाँ का चार्ज है वो DIS के पास चला गया, और या फिर संबंधित में जो पास में GIS का प्रिंसिपल है उस पर उसका चार्ज चला जाता है, फिर उससे ज्वाइनिंग उसकी उस लड़के की करा दी गई है। हाँ, अगर आपसे पैसे की कोई बात आए, आप अपने विवेक के आधार पर इस काम को करें, जो आपको सही लगता है वो आपको करना ही चाहिए। मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो आपको सही लगे वो करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सारी लाइफ उसी विद्यालय में बितानी है, तो आपको जो उचित लगे वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से वैसे अब विद्यालय में अब इतना करप्शन की कोई बात रह नहीं गई है, अब सभी
लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइनिंग करा देते हैं, लेकिन 1-2% कुछ चांसेस होते हैं जहाँ पर करप्शन की बात आती रहती है, तो आप संबंधित DIS पर वहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं। वहाँ की प्रबंध समिति के खिलाफ चयन बोर्ड एक विशेष धारा है उसके खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है कि आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ना और आप जो भी आपके हित में हो वो निर्णय लेना। वैसे आप पैसे की इतनी कोई बात होती नहीं, अपने माइंड में कोई भी ऐसी बात आपको नहीं रखनी चाहिए। तो ये था प्रबंध तंत्र जो विद्यालय में होता है उसमें क्या होता है, और ज्वाइनिंग को अगर मना कर दे तो आपको रिटर्न में ज़रूर लेना है कि क्यों वो मना कर रहा है। फिर आप चयन बोर्ड में वहाँ पे उसे जमा कर देना DIS के माध्यम से, और फिर आपको 13-5 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको विद्यालय आवंटन दोबारा से हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो प्रबंध तंत्र की यही भूमिका है, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती जा रही है। हो सकता है भविष्य में प्रबंध तंत्र को नल एंड वॉइड भी कर दे गवर्नमेंट और अपने हाथ में ही सब कुछ ले ले, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला था कि जहां पर प्रबंध समिति 15 साल से भंग है किन्हीं कारणों से, तो गवर्नमेंट ने उसे सब अपने अंडरटेक कर लिया है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं प्रबंध तंत्र, यही भूमिका है प्रबंध तंत्र की, इससे ज़्यादा और कुछ भूमिका नहीं है। आप अपना काम अच्छे ईमानदारी से करें, ना ही कोई राजनीति में बढ़े, ना ही किसी की कोई बुराई या भलाई ऐसी कुछ, मतलब ज़्यादा पीठ के पीछे कोई बुराई ना करें, ना ही किसी राजनीति में रहें, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, हमारा तो यही उद्देश्य है। तो कोई भी आपको समस्या विद्यालय में नहीं होगी, ना ही कोई मैनेजर, ना ही कोई गाँव वाला या कोई आसपास का लोग आपको कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ आप अपना पढ़ाने के लिए आप अपॉइंट हुए हैं, आप वहाँ पर पढ़ाएं, कोई समस्या नहीं होती। मुझे भी यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में लगभग 6 महीने हो गए हैं, और ईश्वर की कृपा है कि मेरे जो कलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल सर हैं, सभी बहुत ही अच्छे हैं। आई होप आपको भी सबको अच्छा ही मिले। तो हेल्प, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ सोभित अग्रवाल, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।